छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में एक नक्सली जिंदा भी पकड़ा गया है। सुकमा जिले के SP अभिषेक मीणा ने 3 नक्सलियों के शव बरामद होने की बात कही। उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों में एक LOS, एक मिलिशिया कमांडर, एक मिलिशिया डिप्टी कमांडर भी शामिल है। खबर के अनुसार इस मुठभेड़ में 3 नक्सली भी घायल हुए हैं, लेकिन घायल नक्सलियों के उनके साथी अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक 315 बोर पिस्टल, 4 बरमार बंदूक, एक जिंदा बम भी बरामद किया है। सुकमा में पुलिस बल के जवान सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। मकागुड़ा और मुलेर के जंगल में जवानों का आमला सामना नक्सलियों से हुआ। इसके बाद नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और 3 नक्सलियों को मार गिराया। इसके अलावा पुलिस और सुरक्षा बलों की कोशिशों से प्रभावित होकर बस्तर क्षेत्र में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बस्तर रेंज के IG विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक 10 लाख का इनामी कमांडर और एक 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भी शामिल है। खबर के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले 10 लाख का इनामी सोबी उर्फ नागू कतलाम नारायणपुर जिले के अंतर्गत अमदई घाट में एरिया कमांडर के रूप में पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।